नमस्कार सचिव आदाब दूरदर्शन के बेहतरीन कार्यक्रम युव तरंग में आज फिर आप सभी का स्वागत है आजाद भारत ये सोचने में समझने में फील करने में कितना हमें आनंद आता है बट क्या वो पहलू रहा होगा जब हम ये भारत को आजाद भारत नहीं मानते थे या नहीं था ये बल्कि क्या वो समय रहा होगा जब हम गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे कितना स्ट्रगल रहा होगा उन लोगों के लिए अपने आप को गुलाम समझ के काम करना बहुत सारी मुहिमें हुई बहुत सारी रैलियां हुई बहुत सारे बड़े बड़े प्लानिंग्स हुई कि हम कैसे न कैसे इस आज़ादी को पाएं और उन्हीं में से एक था अगस्त क्रांति यानी कि क्विट इंडिया मोवमेंट आज हम इसी बारे में बात करेंगे क्योंकि आज हम आज़ाद भारत हैं और आज हम बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं ऑल थैंक्स टू दिस तो मैं अपने सारे युवा साथियों का आज इस चर्चा पे स्वागत करना चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे जैसा मैंने आपको बताया कि आज़ादी बहुत ही जरूरी थी और आज़ादी कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को हमारी जिंदगी में लेके आई लेकिन क्या वो चीज़ें थी क्या ये क्विट मोवमेंट था ज़रूर जानते हैं अपने युवा साथियों से तो पहले मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से क्या है ये क्विट मोमेंट इंडिया मोमेंट जी जय हिंद साथियों मेरा नाम आयुष त्यागी है और मैं आपको बताना चाहता हूँ क्विट इंडिया मोमेंट जो कि 8 अगस्त 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था जी गस्त क्रांति जिसमें जिसमें जिसको महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट करा था जी, और इसमें जो है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे जैसे सुभाष चंद्र बोस मोहम्मद अली जिन्ना जी, और जवाहरलाल नेहरू इन सब का बहुत इन्वॉल्वमेंट था इसके बाद जो है इंडिया ने अपने आप को इतना बड़ा बना लिया है उसने बहुत डेवलप करा है इंडिया में जी, और उसके बाद पीछे के इंडिया ने कभी नहीं देखा

तो कल हमारा देश चुप रहेगा और ऐसा ही उस दिन हुआ अगर उस दिन हम लोग आज चुप रहते जैसे कि उस दिन जितने भी हमारे युवा थे वो अगर उस दिन चुप थे तो आज शायद मैं यहाँ ना होता अगर उस दिन वो लोग चुप रहते तो आज मैं शायद यहाँ पढ़ना आ रहा होता आज का युवा इतना अच्छा है कि अगर उसको कोई भी बात बुरी लगती है तो उसके पास सोशल मीडिया है उसके पास कम्युनिकेशन के बहुत सारी बड़ी बात है फ्रीडम ऑफ स्पीच है जैसा कि सर ने बताया अगर ये सारी चीजें ना होती तो शायद आज हम एक गला <coughs> गला घोट घोट की जिंदगी जिंदगी जी 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 रहे रहे होते होते सही बात है जी। मैं गुप्ता मैं अपने साथी से बिल्कुल सहमत हूँ मैं ये कहता हूँ कि अगर उस वक्त तो मूवमेंट नहीं चालू किया होगा था तो आज हम जहाँ बैठे हैं हमारे अपने विचारों को व्यक्त कर पा रहे हैं वो विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते हम आगे नहीं बढ़ पाते शिक्षा के वो सारे स्त्रोत नहीं मिल पाते जिन्हें हम आज प्राप्त कर पा रहे हैं इसी रूप में अगर हम देखें तो भारत सरकार द्वारा एक मुहिम चालू की गई इसे कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान जी. जिसके तहत आज हम छोटे से छोटे बड़े से बड़े हर व्यक्ति को हम शिक्षा दे पा रहे हैं चाहे शिक्षा का स्तर में चाहे वो पांच साल का बच्चा हो चाहे अस्सी साल का बुजुर्ग हो आज हर एक व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त कर पा रहा है इसीलिए हम आगे बढ़ पा रहे हैं और तरक्की कर पा रहे हैं मेरा देश बदल रहा है आगे बढ़ रहा है ये आगे बढ़ने का जो जज्बा है आज आप सुन पा रहे हैं कि युवा साथियों में भी है और कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि वो दिन वो समय ऐसा था जब सब लोग साथ आए उन लोगों ने एक मुहिम छेड़ी और उस मुहिम की वजह से हमें आजादी मिली और आज हम आजादी का अमृत महोत्सव भी बना रहे हैं एक बार जोरदार तालिया हो जाए जी अमृत महोत्सव की कुछ बातें करी जाए आज अमृत महोत्सव बना रहे हैं पचहत्तर साल हमारे आजादी को हो चुके हैं

कॉलेजेस कॉलेजेस में, colleges में सब में कार्य सभी जगह सारे ऑफिस में चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो जी सारे कार्यक्रम की व्यवस्था चली जा रही है जी. और फ्लैग होस्टिंग बहुत मेन है इस चीज में एंड सबको मेरी और तरफ... कहीं ना कहीं आप ये भी मानेंगे हर घर तिरंगा जो एक पहल चल रही है तो हम सब आई होप तिरंगा हमारे घर पे लहराने वाले जी, हैं जी, जी. और गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय एक बार जोरदार ताली हो जाए सारे भारतीयों के लिए तो आज हम सब क्योंकि युवा हैं साल हमारी आजादी को हो चुके हैं आज अगर हम इस बात को देखते हैं कि पिछहत्तर साल हो चुके हैं अगर ये दिन नहीं आया होता अगस्त क्रांति का दिन नहीं आया होता तो हमारी लाइफ कैसे होती इस बारे में मैं आपके विचार जरूर जानना चाहूंगा जी नमस्कार मैं हूँ सैनी अगर आज का ये वाला दिन आया ही नहीं होता तो हम किसी ना किसी की गुलामी कर रहे होते जी। या किसी के अंडर काम कर रहे होते और हम बैठ के बोल भी नहीं पाते हमारे राइट्स क्या है वो हमें पता भी नहीं होते और हम ना तो खुद के लिए खड़े हो पाते ना हमारे देश के लिए खड़े हो खड़े हो पाते जी। तो एक वही एक ये मूवमेंट है क्विट इंडिया की आज हम हमारे लिए खड़े भी है और हमारे देश के लिए भी बोल पा रहे है और हमारे फैमिली के लिए भी खड़े है और यही हमारा राइट है आई थिंक आपको कहीं कही ना कहीं उससे सीख मिली आप ये आप बताना चाह रहे हैं और ये युवा साथी बताना चाह रहे हैं कि देखिए वो एक मुहिम थी जिससे इन्होंने लर्निंग ली है कि सिर्फ आपको अपने आप अपने राइट्स के लिए बोलना भी आना चाहिए उसके लिए आपको खड़ा भी होना चाहिए और जरूरत पड़े तो सबको साथ लेके भी चलना चाहिए तो कहीं कही ना कहीं साथ लेने का जो जज्बा है इस तरह के दिनों ने हमें बताया है कि हमें साथ लेकर के कंट्री के लिए सोचना है देश सर्वोपरि है उसके बाद हम आते हैं कहीं ना कहीं ये लर्निंग हमारे लिए है जी आप भी कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाह रहे थे नमस्कार मेरा नाम अध्यात्म तो अगर मैं एक के से कल्चर था जी। उसको दबाने की खूब कोशिश की गई थी जी। हम, हम, हम खुल के बोल नहीं सकते थे हम अपने कल्चर को बिलीव नहीं कर सकते थे हम अपने गॉड्स को प्रे नहीं कर सकते थे एक तरीके से हम अपने किसी भी चीज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे जी। आज मैं अगर उस चीज़ को देखू तो मैं जैसे परफॉर्म करता हूँ तो मैं अकेले परफॉर्म नहीं करता हूं, मेरे साथ कितने लोग मेरे को देखते हैं प्रोत्साहन करते हैं मेरा जी तो अगर क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं होता या हम आजाद नहीं होते तो वो लोग ही नहीं देख रहे होते जी क्योंकि किसी को आजादी नहीं थी इस चीज की कि वो किसी चीज का बढ़ावा कर सके या किसी चीज को के इंजॉय कर सके दूसरी बात यह है कि अब क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद जो इतनी बड़ी मुहिम महात्मा गांधी ने रखी जी उसके बाद हम अपने कल्चर को आगे बढ़ा सके जी हम अपने कल्चर को पूरी दुनिया को दिखा सके कि हम भारतीय किसी से कम नहीं है हमारा भारत, हम भारत सबसे से कम नहीं है, है। इस पर तालियां तो बनती है बॉस आज पूरी दुनिया में हमारे कल्चर की बढ़ाई होती है सब लोग प्रशंसा करते हैं कि भारत का कल्चर जी। भारत की संस्कृति संस्कृति ट्रेडिशन, ट्रेडिशन जी उसका सब प्रोत्साहन करते हैं जी बाहरी लोग मतलब जितने भी बाहर के देश हैं आजकल वो भारत की चीजों को अपना रहे हैं क्योंकि हमारा भारत हमारी संस्कृति इतनी महान है जिसको हम खुल के पहले दिखाई नहीं पाते थे जी तो मैं ये कहना चाहूंगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ये हमारी आजादी के बाद जो इतनी बड़ी मुहिम उन्होंने रखी उसकी उसके कारण जो आजादी मिली उसके बाद हमारा जो आज भारत है मेरे ख्याल से वो मुहिम उस भारत का आने का कारण है तो इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है ये हम देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं समझ पा रहे हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट पहलू था कितनी बड़ी मुहिम थी ये कितने सालों का संघर्ष था और इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम सब एकत्र अब जब मैं हम सब बात करूँ तो मैं हिंदुस्तानियों के लिए भारतवासियों के लिए बात कर रहा हूँ कि हम एक सब एकजुट हुए और हमने

मैं कहना चाहूंगा बुरा ना मानिए एक बेकार रूल है कि हम बेकार नहीं कहेंगे लेकिन हम कहेंगे कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रूल एक है मेरी तरह तर एक कॉम्प्लिकेटेड रूल जी. है कि सबसे पहले हमें हमारे प्रेजिडेंट को याद करना होता है ना जी. कि हमारे भगवान को ना कि हमारे देवताओं को जी और ये सबसे बड़ा था कि आज अगर क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं होता तो शायद अंग्रेज भी ये कह रहे होते कि सबसे पहले हमको याद करो फिर दूसरों को याद करना जी, जी. और जैसे कि सांस लेना पानी पीना भी वही बताता है कि अगर उसने नहीं वो अगर उसने बोला कि अब तुम सांस नहीं लोगे तो तुम सांस नहीं ले सकते वैसा ही आज हमारे साथ हो रहा होता मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रहे हैं कि सांस ना लेना तो खैर पॉसिबल नहीं है लेकिन हाँ उनकी तरह से आप जिए वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताएं तो यहाँ पर ये युवा साथी बताना चाह रहे हैं कि सांस लेने का इनका ये अर्थ था कि आप किस तरह से जिये आपकी सांसों पर भी उनकी काउंटिंग है और किस तरह से आप अपनी दिनचर्या को फॉलो करें ये कहीं ना कहीं कुछ और कंट्रीज में ऐसा चलन है लेकिन ये बताना चाह रहे हैं कि इंडिया में ऐसा चलन नहीं है और वो कहीं ना कहीं इस मोमेंट की वजह से हुआ कि हमें आजादी मिली और हम आजाद भारत में आज सांस ले रहे हैं जी मेरा आप लोगों से एक और ये सवाल आ रहा था कि आप इतनी अच्छी जो बातें कर रहे हैं कहीं ना कहीं मुझे बड़ा इंजॉय लग रहा है कि आज का यूथ कितना इंडिया के बारे में सोचता है बट अगर ये क्विट मोमेंट इंडिया मोमेंट जैसे आपने बताया नहीं होता तो आप कहीं ना कहीं शायद अभी भी वो काम नहीं कर रहे होते जो आप कर रहे हैं पर आज इंडिया को अगर हम देखें पिछहत्तर साल बाद और आप युवा साथी आपके कंधों पे बहुत बड़ा ये भार है 70 परसेंट पॉपुलेशन को आप कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं तो आज किस तरह से आप अपने आप को कनेक्ट करते हैं कि ये मेरा योगदान है या मैं इस तरह की चीजों को करके इस इंडिया को आगे लेके जाऊंगा जी जैसे कि अफलव जी ने बताया अभी तो मैं उसी रूप में बोलना चाहूंगा कि आज अगर हम देखें पिछहतर साल हमारे होने को आ रहे हैं आजादी के जी तो उसमें देखें तो इंडिया में भारत के अंदर आज बहुत सारी चीजें हमारे पास में हैं आज अगर मैं देखूँ तो बींग टीचर मैं बच्चों को कई चीजें बताता हूँ उनको समझाता हूँ तो बच्चे उनको प्रेरित होकर समझते और वो उन चीजों पर आगे जाते हैं चाहे वो स्किल्स की बात हो जी चाहे आ, आ, योगा की बात हो जी आ, सेल्फ डिफेंस की बात हो जी इन चीजों के बारे में जब हम खुल के बात करते हैं तो बच्चा समझता है आगे बढ़ने की कोशिश करता है और उन्हीं चीजों को लेकर आज हम देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई इसी रूप में भारत सरकार ने स्किल इंडिया चालू किया जिसके तहत हमारे भारत में अलग अलग तरह के व्यापारों को चालू कर पाए हैं उन्हें आगे बढ़ा पाए हैं मैं आज अपने युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि आप लोग भी आगे बढ़े स्किल इंडिया को प्रमोट करें उसमें अपना योगदान दे और आगे बढ़ते जाए ताकि हमारे देश में रोजगार के बहुत सारे अवसर आ सकें बहुत ही बढ़िया और जब रोजगार के अवसर आएंगे तो देश में बहुत सारा पैसा आएगा जब पैसा आएगा तो देश के हर एक व्यक्ति के पास हर सुविधाओं को प्राप्त करने की सुविधा होगी तो वो कभी अपने आप को <coughs> गिल्टी फील नहीं करेगा कि मैंने क्या किया ऐसा क्यों हो पाया मेरे साथ में जी तो वो अपने आप को और बढ़ा पाएगा मैं मेरा योगदान ये देना चाहता हूँ कि मैं बच्चों को जब तक मेरी जिंदगी चलती है जब तक मैं बच्चों को हर चीज सिखाना चाहता हूँ ताकि वो आगे जाके बढ़ सकें और अपने भारत देश का नाम ऊंचाइयों पे लेके जा सकें और विश्व में हम जहाँ पहले गुलामी से पहले भारत विश्व में सोने की चिड़िया कहा जाता था आने वाले समय में भारत आज भी सोने की चिड़िया ही कहा जाना चाहिए इसी के साथ जय हिंद क्या बात है कि सोने की चिड़िया कहा जाना चाहिए हमें आज का युवा ये देखें कि आप भी इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि आज की सोच क्या है हमारी सोच अब वो नहीं है हम ये सोचते हैं कि इंडिया को हम अब डेवलप करना है अपने पैसों से इसको आगे ग्रो करना है और वापस से सोने की चिड़िया इसको बनाना है और कोई युवा साथी जी हेलो मेरा नाम है तरुषी सराफ और, और मैं आ, ऐसा कहना चाहती हूँ कि एज ए वुमेन और, कि पहले जो महिलाओं की स्थिति थी और आज को अगर हम देखें तो उसमें कितना फर्क है जहाँ वुमेन घर से बाहर निकलना है शर्माती करती थी, करती थी। हाँ, और आज वो ही हमारे देश को आगे बढ़ा रही है हमारे देश की सबसे बड़ी यानी बननी चाहिए। कि जो भी हमारी पेट्रियॉरिकल सोसाइटी थी उससे बढ़कर आज हमारी महिलाएं आगे आई है और मैं अगर मैं अपनी बात करूं मैं जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही हूं उसमें जर्नलिस्ट का क्या काम होता है लोगों को जागरूक करना और मैं यही सच को सामने लेकर आना, सच को सामने लेकर आना और एज अ वूमेन मैं यही करना चाहती हूँ और आगे लोगों को यही शिक्षा देना चाहती हूँ कि अपना काम अच्छे से करें। सत्यमेव जयते, ये मुहिम हमारा यूथ समझता भी है बहुत अच्छी तरह जानता भी है और उसको अपनी जिंदगी में वो कहीं ना कहीं अडॉप्ट भी कर रहे हैं तो सच का साथ देना आप देखिए कितनी अच्छी बात है कि जर्नलिज्म बहुत अच्छा प्रोफेशन है लेकिन उसके साथ में ये सोचना कि सच के साथ में मैं रहूंगी और आगे औरों को भी ये प्रेरित करूंगी कि आपको झूठ नहीं बोलना है सच के साथ रहना है ये है हमारे पचहत्तर साल का अमृत महोत्सव का एक सच्चा सेलिब्रेशन एक बार जोरदार तालियां हो जाए अच्छा आज के दिन की प्लानिंग क्या है आपकी किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं जनरली क्विट इंडिया या फिर अगस्त क्रांति <coughs> दिवस को जी बताएं इसके लिए सबसे पहले तो मैं पहले तो अपने मंदिर जाता हूँ अपने भगवानों को शुक्रिया करता हूँ उसके बाद अपने पेरेंट्स को भी थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने भी स्ट्रगल किया होगा और साथ में फिर मैं क्या बोलते हैं सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को बताता हूँ कि देखो ये था क्विट इंडिया मूवमेंट देखो ये थी मेरी इंडियन जी जो पहले जी फ्रीडम uh, फाइटर्स थे जी साथ में मेरे साथ बहुत सारे मेरे फॉरेन के फ्रेंड्स भी जुड़े हुए हैं तो मैं उनको भी बताता हूं कि देखो आज महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू एपीजे अब्दुल कलाम और बाकी सारे उनकी वजह से सुभाष चंद्र बोस जी और जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे जी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी वजह से कितना सब कुछ हुआ वो भी इतना प्राउडली फील करते थे कि यार तुम कितने अच्छे कंट्री में रहते हो जहां पे तुमने क्विट इंडिया मूवमेंट जैसा एक चीज की है इतने सारे मूवमेंट्स किए इतनी ज्यादा वो सब कुछ किया है जी

इसके अंदर अगर तुम्हें बुरा लगे तो उसके लिए तो सॉरी बट जैसा मैं हम लोग कर सकते थे हमारी तरफ से इस क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर वैसा हमने किया है बहुत बढ़िया बात तो कहीं ना कहीं सोच ये सिर्फ हिंदुस्तान तक लिमिटेड नहीं है हमारे युवा साथी ने बताया कि बाहर भी इनके जो फ्रेंड्स हैं वो इस मोमेंट से बहुत देखिए ये एक बहुत बड़ा एक अपने आप में एक एक्सपीरियंस एक 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 कह सकते हैं आप या अपने आप में एक बेंच मार्क सेटल कह सकते हैं आप जिसने बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाया अच्छा टाइम बहुत ईजी टाइम नहीं रहा होगा आज हम बात कर रहे हैं हम समझ सकते हैं हैं, कितना struggle रहा होगा, लेकिन वो वो जो आगे लेकर के लोग गए हैं, वो अपनी, -अपनी नमस्कार मेरा नाम आविर्भाव है जी आविर मैं अपने प्रिय मित्र से बिल्कुल सहमत हूँ मैं एक बात अपना पक्ष रखना चाहूंगा की आज अगर ये भारत छोड़ो आंदोलन नहीं होता जी तो इंडिया में यूनिटी नहीं होती जो ये मूवमेंट यूनिटी लाया एक आज एक भारत डाइवर्सिफाइड कंट्री है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग सारे रहते, रहते हैं, हैं। यहाँ पे ईद मनती है तो उसके साथ दिवाली मनती है जी। ये अपने खुद में एक मिसाल है जो भारत से पूरी दुनिया प्रेरित होती है जी। और इस आंदोलन को इस यह आंदोलन नहीं होता तो ये चीज नहीं होती और इसको हर भारतीय को बल्कि हर नागरिक को बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए क्योंकि भारत अपने आप में एक मिसाल है जो इस आंदोलन ने हमें दिए अगर ये आंदोलन नहीं होता तो भारत ऐसा नहीं होता आज तो ये नहीं होता तो आज हम ऐसा नहीं होता ये नहीं होता तो कहीं ना कहीं शायद हम इस तरह से अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं कर पाते अगर ये दिन नहीं होता तो हम सब ये बात जानते हैं कि शायद हम इस तरह से बैठ के आपसे भी बात नहीं कर पा रहे होते अपने विचारों को इतने फ्रीली शेयर नहीं कर पा रहे होते तो इस दिन का अगर इम्पोर्टेंस शब्दों में बया करूं शायद मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क हुआ ये करना क्योंकि ये दिन अपने आप में इतना बड़ा दिन है कि मैं इसके शायद बता नहीं सकता हूं कि अगर आज ये नहीं होता तो हम पता नहीं क्या कर रहे होते और ये बार बार हमारे युवा साथी भी बोल रहे हैं अच्छा मैं आपसे जानना चाह रहा था इसी के साथ में क्योंकि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के हमने बात करी कितना उनकी जिंदगी से आपने सीख ली कितना इनकलकेट करते हैं कोई भी आपके हीरो हों भगत सिंह होंगे सदगुरु होंगे राजदेव होंगे जितने भी लोग आ, हैं फ्रीडम फाइटर्स से हमारे कितना उनकी लर्निंग जी मैं आ, अपने फ्रीडम फाइटर्स और अपने जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे जी उनका पहले तो शुक्रिया करना चाहूंगा अगर कहीं वो होंगे और हमको देख रहे होंगे आज तो उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि उनकी जितने भी उन्होंने प्रयास किए जितने भी सैक्रिफाइसेस किए जी उसकी वजह से आज हमारा देश प्रगति कर रहा है उसकी वजह से आज हम खुल के जी पा रहे हैं खुल के सांस ले पा रहे हैं जी और उनसे जो मैं सीखता हूँ वो है उनकी हिम्मत उनका हौसला जी और जो उन्होंने एक सिद्धांत लिया था कि इस देश को फिर से आजाद करेंगे इस देश को फिर से एक मुकाम पे पहुंचाएंगे कि पूरी दुनिया इसको याद रखेगी जी उनके हिम्मत को और उनके हौसले की दाद देते हुए मैं उनसे सीखता हूं कि अगर वो हिम्मत और हौसला उनके पास नहीं होता मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे भी बड़े बड़े सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया था कितो को फांसी दे दी थी कितो को मारा लेकिन उन्होंने इस चीज को छोड़ा नहीं कि हमारे लीडर्स जा रहे हैं तो हम

उन लोगों से उन फ्रीडम फाइटर्स से जिनकी वजह से आज हम इस आज़ादी को मनाते हैं मतलब हफ्ते भर बाद हम मनाएंगे लेकिन आज़ादी तो हम हर दिन मना रहे हैं क्योंकि आजाद हम हर दिन हैं और कोई बात साथी जी इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे पहले भारत में एक बहुत बड़ी बीमारी फैली थी जिसका नाम था तो छुआ छूत जी पर उसमें से भी एक स्वतंत्र सेनानी खड़े हुए थे जिनका नाम था तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जिन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जी अपन को इससे सीख ये लेनी चाहिए कि जैसे वो छुआछूत की बीमारी को भी जैसे अपन उनको छोड़कर आए हैं और इतना बड़ा नाम जैसे इंडिया बहुत बड़ा नाम हो चुका है इस टाइम पे और जी उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ये एक बाकी बहुत बड़ी बात है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना अपनी राइट सबको देना और राइट टू इक्वालिटी की हमारे युवा साथी अगर आप आ, uh, समझ नहीं पाए तो बता रहा हूँ राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे थे कि पहले क्या होता था कि हम धर्म या बहुत सारी चीज़ों में uh, जकड़े हुए थे हम किसी को छोटा या बड़ा मानते थे लेकिन हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है ये राइट कि हम सबको एक साथ एकजुट मानेंगे और हर एक को एक तरह से उनको रिस्पेक्ट दिया जाएगा और कोई बात आती अपने विचार जी <coughs> जैसे कि मेरे साथी घंटे से में सहमत हूँ छुआ छू जैसी चीज को हमने छोड़ा उसी रूप में आज हम आगे बढ़ पाए हैं जी अगर ऐसी चीजें अगर उस वक्त भी रही होती और आज भी चल रही होती तो हो सकता है मैं आपसे फ्रीडी बात नहीं कर पाता मैं आपसे अपने शेयर आइडिया शेयर नहीं कर पाता पहले हम धर्म पूछते और उसके बाद में उसकी हम धर्म पूछते, पूछते। जी। फिर जाति पूछते फिर पूछते कि भैया आप कौन से पदवे में आते हैं ऊंचे या नीचे पदवे में हो सकता है उसके बाद बात ही नहीं करते बात ही नहीं करते फिर बोलते आप यहाँ से जाइए हमें आपसे बात नहीं करनी तो इस तरह का भी रूप देखा जाता पर अगर हम देखें तो वो चीजें नहीं देखने को मिली आज भारत इन चीजों से बहुत आगे बढ़ चुका है। कई चीजों में भारत की मिसाल दी जाती है जैसे कि हमारे युवा साथी ने भी बताया था कि भारत की संस्कृति को विदेशों में भी अपनाया जा रहा है जी। आज विदेशी महिला हो पुरुष हो वो धोती कुर्ता और महिलाएं साड़ियां सूट पहन के घूम रही हैं जहां इंडिया में कल्चर चला करता था ये कल्चर बाहर भी जा रहा है जी। आज हमारे Uh, कथक कली कुचिपुड़ी भरतनाट्यम जैसे uh, नृत्य को भी भारत जा रहा है उनको uh, प्रोत्साहन किया जा रहा है इस कारण से भारत आज बहुत बड़ा और आगे बढ़ता जा रहा है जी, उसी रूप में अगर हम बात करें तो जहां हमने सिंगिंग डांसिंग एक्टिंग की बात करिए उसी रूप में अगर आप देखें तो हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया टेक्नोलॉजी भी कम नहीं है आज भारत का अगर हम अंदाजा लगाए तो हो सकता है चालीस भारतीय आज फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहे हैं जहां फॉरेन ये कंट्री कहती है कि हम डेवलप्ड हैं वो इसीलिए हैं कि भारत की तकनीकों को हमारे भारतीयों ने वहां जाके उपयोग में लिया तब भारत की तकनीक वहां पहुंची और वहां के देश आज विश्व में विकसित देशों के नाम से जाने गए लेकिन अगर वही देशवासी भारत में आ जाए तो विश्व के सभी के सभी देश नीचे आ जाएंगे और भारत वापस अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा तो यह तब मुमकिन है जब हमने भारत छोड़ो आंदोलन को अपनाया और उसको आगे लेके गए और उनमें जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन सबकी योगदान को अगर हम देखें तो बहुत सराहनीय योगदान था अगर वो नहीं होता अगर वो हौसला नहीं होता वो जज्बा नहीं होता वो दृढ़ निश्चय नहीं होता कि मेरे सामने मेरे युवा साथी को मार दिया गया फिर भी वो चुप रहे और अपने मुकाम पे रहे कि मुझे मेरे देश को आज़ाद कराना है तब जाके हमें आजादी मिली ये आज़ादी इतनी आसान नहीं थी ये आज़ादी इतनी आसान नहीं थी और आसान नहीं होता है ये भी बोलना कि समय हमारे लिए रुकता नहीं है लेकिन मैं जाते जाते हैं क्योंकि हमारे साथ देश के युवा हैं आप जो हमारे व्यूअर्स हैं आप में से कोई भी अगर उनसे कोई संदेश देना चाहें आज के दिन को लेकर कुछ बात करना चाहें तो आप प्लीज कर सकते हैं जी नमस्कार मेरा नाम अर्णव खंडेलवाल है जी अर्णव मैं नमन करना चाहूंगा उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए देश में बहुत क्विट इंडिया मूवमेंट को चलाकर बहुत ही अहम भूमिका निभाई जी ये उनके आई थिंक उनसे बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए आई हाँ, थिंक ये बोलना चाह रहे हैं कि जी हम उनसे हमें उनसे सीख लेनी चाहिए हमें एकता बनाकर रखनी चाहिए हमें सबको एक साथ काम करना चाहिए अगर कोई मुसीबत में फंस जाए तो उसकी हेल्प करनी चाहिए जी तो एकता में बहुत ताकत है जी आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ तो मेरे सहपाठी सह से जी अब uh, मैं तो बस यही बोलना चाहूंगा कि बस रुको मत जैसे हमारे क्रांतिकारी नहीं रुके अपन को आजादी नहीं दिलाने में तो अपन अपन को भी नहीं रुकना चाहिए अपन को उनका नाम नीचा नहीं करना चाहिए कि जस्ट जस्ट गो की अपन को भी पूरे इंडिया का नाम रोशन करना है पूरे विश्व में क्या बात है मैं, जी? और मैं कहना चाहूंगा कि लोग बागों को प्रेरित करो कि बिजनेस चलाए अच्छी अच्छी चीजें करें जैसे गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया का मेक इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप इंडिया हो तो उससे जो है इंडिया को एक अच्छा बेस मिलता है जो कि इंडिया को एक अलग ही डेवलपमेंट कंट्री के लिए बना सकते डेवलपमेंट कंट्री बना सकता है जी तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री होगा इंडिया अब सोने की चिड़िया बनेगा युवा बहुत ज्यादा प्रेरित हैं और कहीं ना कहीं वो आपसे भी ये बोलना चाहते हैं कि आए साथ में मिलकर हम कदम से कदम बढ़ाएं और इस भारत को वो भारत बनाएं जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सोचा था कि हम होंगे दुनिया में नंबर वन फिर हम आएंगे आपके बीच में एक और चर्चा के विषय के साथ तब तक अपना ध्यान रखें पॉलिथिन को यूज ना करें क्योंकि वो बैन हो चुकी है मैं सिंगल यूज प्लास्टिक की बात कर रहा हूं मास्क पहने रहें और सैनिटाइजर का यूज करते रहें अपना ख्याल रखें और आसपास में सफाई जरूर रखें नमस्कार जय हिंद